तो अभी खेत की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो भाई, तो क्या है आज का सीन? वो तो वो बताएगा, मतलब टाइम बताएगा। तो अभी हम लोग को खुद नहीं पता कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा खेत में। तो दोस्तों, क्या हुआ कि खेत तो अभी नहीं जा रहे हैं, तो अभी आ चुके हैं हम लोग करैया। ये है मार्केट, मेन मार्केट जो होता है करैया का। और पीछे एजेंसी पर हमको भैया से कुछ काम था, भैया मिले नहीं, तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे। एक काम और है इन्वर्टर का, तो मे बी अगर वो काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं कुछ और। देख के जाना। मैं एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी से उतरते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं खोलना आपको गेट। गेट ऐसे अगर इस हाथ से खोलेंगे तो आप ऐसे पीछे मुड़ के देख सकते हैं। तो समझेगा इस आपको कैसे गेट खोलना है। खैर, ये जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है इसका, तो ये लाने जा रहा है, लेके आता है, फिर चलते हैं हम लोग। भाई साहब को इन्वर्टर मिल गया कुछ बातचीत करते हुए। आ जा। तो ये तो आ चुका। तो भाई, रोड साइड का जो होता है गेट ना, उसे हमेशा देख कर ही खोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। चले तो चलो गाइस, चलते हैं आगे। यार इतनी तगड़ी लोकेशन तो हमें गाइस पता ही नहीं था। ये है हमारे करैया का कान्हा शिक्षा निकेतन कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। गाइस उसे देखा जाए तो ये लोकेशन जो है, ये आप देख रहे हो, ये लोकेशन पूरा बहुत ही अच्छा है वीडियो शूट करने के लिए। बट यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है, हम तुमको बताते हैं। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? आज तो छुट्टी है संडे। हाँ, इस संडे खाली है, नहीं डेली तो स्कूल रहता है ना। बाय द वे, हम लोग संडे को भी ट्राई करेंगे कोई वीडियो शूट करने का। देखो पूरा फ्लॉप हो गया प्लान लग रहा। हाँ तो भाइयों, क्या हुआ था कि यहाँ पे इसके साथ मैं इसका वीडियो शूट करने आया था, तो इसने अपना वीडियो जो है उसने शूट कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और काफी बोर हो चुका हूँ, तो हम दोनों डिसाइड किया क्यों ना चाय पीने चलते हैं। तो आइए चलते हैं, चाय पीते हैं और आगे जो होता है हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं चाय पीने। तो भैया, अभी यहाँ से हम लोग लेते हैं यू टर्न और यू टर्न लेके चलते हैं चाय पीने। भाई वीडियो काफी अच्छा बन गया ना? हाँ, तुम्हारा तो वीडियो बढ़िया बन गया भाई। और तुम्हारा बन ही रहा। और मेरा बन रहा है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था, लोकेशन कुछ ज्यादा ही औसम है, तो यहाँ पे तेज का मन बन गया फोटो खिंचाने का। तो क्यों ना हम लोग कुछ फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं अपने इंस्टा पे डालूंगा, आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। फॉलो करिए, रियल तेजस्वी नाम है मेरा। तो ये हर जगह फॉलोअर्स का भीख मांगता ही रहता है। खैर, तो अभी कुछ फोटोज वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको सीधा चाय की तफरी पर। क्या हुआ, फोटो शूट वगैरह तो हम दोनों का हो गया, क्या मजा आया फोटो में? भाई मेरी अच्छी नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। तो ये तो इसका हमेशा का लगा रहता है, ये हमेशा ही कहता है कि यार मेरी फोटो नहीं अच्छी आई, लेकिन हाँ इस बार मैंने बहुत अच्छी फोटो खींची इसकी। तो गाइस, इसका फास्ट टैग का जो भी था प्लान अपना, ये सक्सेस रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में प्लान क्या था, एंड में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरी दुकान जो है चाय की, वो यहाँ पे है। ये वाली है, वो वाली? नहीं, वो वाली पीछे वाली, इसके जस्ट पीछे वाली। चलो ठीक है, तो यहाँ से यू टर्न ले। भाई तुम्हारी जीत के चक्कर में फास्ट टैग कटवाना पड़ा। अरे कोई नहीं यार, शौक बड़ी चीज है। तो ये यहाँ पे अभी हम लोग चाय पीते हैं, मिलते हैं आपको चाय की चुस्की के साथ। तो फाइनली हम लोग अपने दुकान पर आ गए हैं, जहाँ पर हम लोगों को चाय पीना है, और शायद अब तक की सबसे महंगी चाय होने वाली है। तो आपको बताता हूँ वो कैसे महंगी होने वाली है। तो भाई क्या कहते हो, तो आओ बैठ के बात करते हैं। शाबाश। अभी इस चाय के पीछे का राज बताते हैं हम आपको कि क्यों ये चाय अब तक की सबसे महंगी चाय हुई। तो भाई मैं बताता हूँ, तो एक सेकंड, तो आइए सुनते हैं तेजस्वी के जुबानी, तेजस्वी की जुबानी सुनते हैं कि ये अब तक की चाय महंगी, सबसे महंगी चाय क्यों हुई। तो भाई हुआ क्या कि ये जो
होटल है, ढाबा बोल सकते हैं आप, टपरी बोल सकते हैं ना, जो टपरी है वो टोल के इस पार पड़ती है, यहाँ टोल एक बार दिखा दो तो वो आप टोल देख सकते हैं, जस्ट वो टोल है और टोल के जस्ट इस पार है, हमें उस साइड से आना पड़ा है इस साइड, और हम लोग टोल कटवा के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा पड़ा होगा ये। तो डेली व्लॉग का जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो आज अभी देख सकते हैं 12:06 हो गए हैं और आधा दिन हमारा स्पेंड हो चुका है। और इसके साथ अभी शाम का प्लान मेरा क्या है कि मुझे जाना है रायबली, तो अभी सीट ठीक है, हम चलेंगे घर पे, थोड़ा खाना वाना खाने के बाद रेडी हो जाएंगे, फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं 4:30 और मैं पहुँच चुका हूँ रायबली। अभी भैया का फ़ोन आया, उन्होंने बोला एक नए फ़ोन की डिलीवरी होनी है तो तुम जाकर ले लो, तो अभी चलते हैं फ़ोन की डिलीवरी लेते हैं और उसी के अनबॉक्सिंग के साथ हम लोग वीडियो का इन करते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, वहाँ डिलीवरी बॉय ने ओपन बॉक्स डिलीवरी करके दिया और ये फ़ोन है मेरे हाथ में, भैया सामने बैठे हुए जो कि बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये ओप्पो रेनो 7 फ़ोन बहुत ही पसंद आया होगा, और ये जो लास्ट का आउटरो में शूट कर रहा हूँ ये भी ओप्पो रेनो 7 के थ्रू शूट कर रहा हूँ, मैं इसी फ़ोन से मैं इस वीडियो का इन करूँगा। और आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, जो मोटो ब्लॉग्स हैं, उसे आप पूरा देखिए और आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी किस टॉपिक पर शूट करूं। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, जय हिंद।